तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको एक देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप जो है फास्ट कैश से पैसे निकाल सकते हो। तो जो है अपना एटीएम गाइस इसके अंदर डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से गाइस एटीएम के अंदर जो है एटीएम कार्ड डालने के बाद इस तरीके से आप दे सकते हो। आपके एटीएम सामने इस तरीके का डेस्कटॉप खुल जाएगा। तो जो है अब यहाँ थोड़ा सा जो है आपको वेट करने के लिए गाइस ये बोल रहा है, तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी हमारा पिन है हम यहाँ पर अपना जो है पिन डाल लेते हैं। तो जो है गाइस मैं यहाँ पर अपना पिन जो है डालने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने पिन अपना जो है यहाँ पर डाल लिया। डालने के बाद गाइस यहाँ पर जो है आपको इंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है या फिर जो है यहाँ पर प्रेस हियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है फास्ट कैश का, आप जो है इसका यूज़ कैसे कर सकते हो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है गाइस। फास्ट कैश के ऊपर क्लिक कर लोगे यहाँ देख सकते हो बहुत सारे डेस्कटॉप आपके मोबाइल में खुल जाएंगे, आपके जो है एटीएम के अंदर इस तरीके से खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है अगर बहुत सारे पैसे अगर आपको एक साथ निकालने, जैसे मुझे अगर 10,000 अगर एक साथ निकालना है तो मुझे इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। इस तरीके से जब गाइस मैं क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है पैसे जो है निकालने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे पैसे यहाँ पर गाइस निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है हमें वेट करना है यहाँ पर गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से पैसे जो है गाइस आ चुके हैं। तो हमें जो है गाइस अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है कैंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना कार्ड जो है यहाँ से ले लेना है। यहाँ से कार्ड लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का जो है मार्क आ जाएगा और यहाँ पर जो है इस तरीके का जब डेस्कटॉप के एटीएम के अंदर खुल जाएगा तो हमारा जो है प्रोसेसिंग पूरी 100% जो है कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो।